अस्सलाम वालेकुम। आज हम भिंडी की सब्ज़ी या मसाला भिंडी बना रहे हैं। ये रेसिपी बहुत इजी है, आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत टेस्टी भिंडी इससे तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मसाला भिंडी बना रहे हैं। मसाला भिंडी बनाने के लिए हमने आधा किलो भिंडी लिए, 500 ग्राम उसको इस तरह काट लिया है हमने। हरी मिर्चें लिए हमने 4 अदद, उनको लंबाई में काटा है इस तरह। आधा कप ऑयल है, टमाटर डेढ़ यानी एक और आधा, और एक दरमियानी साइज़ की प्याज है जिसको हमने इस तरह काट लिया बारीक। मिर्च है कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत लाल मिर्च 6 अदद, उनको इस तरह 200 में काट लें, और 1/4 चाय की चम्मची हल्दी है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बघार तैयार कर लेंगे ऑयल, और उसमें प्याज डाल देंगे, प्याज थोड़ी फ्राई हो जाएगी, उसके बाद हम जीरा इसमें शामिल करेंगे। प्याज हमारी थोड़ी फ्राई हो गई, अब हम इसमें जीरा शामिल कर देंगे। अब टमाटर ऐड करें इसमें, दो से तीन मिनट के लिए इसको ढक देंगे ताकि टमाटर गल जाए। टमाटर नरम हो गए, अब हम इनको भून लेंगे। उसके बाद इसमें मसाले शामिल करेंगे। टमाटर भून गए, अब इसमें मिर्च, हल्दी और साबुत लाल मिर्च शामिल कर दिया हमने, तो थोड़ा सा फ्राई करें। इसमें हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे। भिंडी शामिल करेंगे, एक से डेढ़ मिनट इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे। भिंडी हमने फ्राई कर ली है, अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। तीन से चार मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लिया अच्छी तरह से। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे।
तैयार हो गई है बिल्कुल। अब इसको डिश में निकाल लेते हैं। 3 से 4 मिनट लगते हैं और भिंडी को तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। भिंडी की सब्ज़ी या मसाला भिंडी बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।